जब तक हम जिंदा ये छानबीन चलती रहेगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल एक्शन टेक में। आज हम बात करेंगे मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 और जूनियर एनटीआर और रामचरण की फिल्म ट्रिपल आर के 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आपको बताएंगे इन दोनों फिल्मों का 3 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा, कौन सी फिल्म ने मारी अपने 3 दिनों में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर बाजी, और कौन बना बॉक्स ऑफिस इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और कौन सी फिल्म हुई अपने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 3 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले बात कर लेते हैं मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 के बारे में। आपको बता दें, दृश्यम 2 फिल्म को लेकर काफी जबरदस्त बज देखा जा रहा। वो फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म की स्क्रिप्ट पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद होने की वजह से इस फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने 4 स्टार रिव्यू दिया, जिस वजह से फिल्म को लेकर काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ रहा। वो फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही 15 करोड़ 38 लाख रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। इसी के साथ इस फिल्म का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक काफी ज्यादा बढ़ा। वो फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 21 करोड़ 52 लाख रुपए कमाए। लेकिन अगर फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन और भी ज्यादा रहने की उम्मीद है, जिस वजह से हो सकता है दृश्यम 2 फिल्म अपने तीसरे दिन संडे को बॉक्स ऑफिस पर फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 23 करोड़ 65 लाख रुपए के आसपास कमाई करे, जिससे इस फिल्म का 3 दिनों का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 60 करोड़ 55 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर इस फिल्म से जूनियर एनटीआर और रामचरण की फिल्म ट्रिपल आर के हिंदी कलेक्शन की बात करें तो ट्रिपल आर फिल्म का बजट जहां 500 करोड़ रुपए से ज्यादा था, वहीं यह फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ 7 लाख रुपए के आसपास कमाई करने में कामयाब रही। लेकिन फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई। वो फिल्म ने अपने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ग्रोथ पाते हुए 24 करोड़ रुपए कमाए, जिस वजह से फिल्म का तीसरे दिन का संडे का हिंदी कलेक्शन काफी ज्यादा बढ़ा। वो फिल्म ने अपने तीसरे दिन संडे को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर फिर से काफी बड़ा धमाका करते हुए 31 करोड़ 50 लाख रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार किया, जिस वजह से ट्रिपल आर फिल्म अपने 3 दिनों में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ 57 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही। तो दोस्तों, 3 दिनों के टोटल हिंदी कलेक्शन के मामले में तो जूनियर एनटीआर और रामचरण की फिल्म ट्रिपल आर मारेगी बॉक्स ऑफिस पर बाजी, जिस वजह से ट्रिपल आर बनेगी बॉक्स ऑफिस हिंदी की 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। ट्रिपल आर फिल्म से जूनियर एनटीआर रामचरण बनेंगे बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े सुपरस्टार। लेकिन आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आया, इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़ी फ्लॉप, अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 को या फिर जूनियर एनटीआर रामचरण की फिल्म ट्रिपल आर को? आप क्या कमेंट कर जरूर बताएं। और इस तरह आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।